भारत का अधिकतर हिंदू समाज 1 नवंबर को ही दीपावली मनाने का निश्चय कर चुका है, लेकिन जो लोग 1 तारीख को ये रात के सिंह लगन में, वृषभ लगन में पूजा करते हैं, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी, जब 1 तारीख को अमावस्या शाम के 6-17 को समाप्त हो जाएगी तो हम वृषभ लगन आगे सिंह लगन में कैसे पूजा करेंगे। तब शास्त्रीय आदेश देता है कि जब सूर्योदय कालीन तिथि में अमावस्या 3 मुहूर्त यानी लगभग 2.25 घंटा हो तो उसको साकल्यपादिता तिथि कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अगले 24 घंटे तक वह तिथि मान्य रहती है, तो 1 नवंबर को आप अगले दिन सूर्य उदय तक भी अमावस्या ही मान करके पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एकादशी का या कोई व्रत करते हैं, मान लो वो तिथि 11 बजे समाप्त हो जाती है, तो क्या आप उस व्रत को 11 बजे खत्म कर देते हैं? नहीं ना, आप उसको अगले दिन सूर्योदय तक करते हैं। यही नियम अमावस्या को भी लागू होगा। चाहे 1 नवंबर को अमावस्या शाम के 6-17 को समाप्त हो रही है, लेकिन आप अगले दिन इस नियम के कारण विधिवत सिंह लगन में, वृषभ लगन में पूजा कर सकते हैं।